आ गया आ गया आ गया आ गया। अरे मदर, अब भाई ऐसी एक गेम नहीं जा रही जिसमें भाई साहब हैकर ना मिले, आई मीन हैकर्स ना मिले। लिटरली गाइस हर गेम में हैकर है, और एक नहीं भाई साहब पूरी पूरी स्क्वाड ही हैकर आ रही है। लास्ट वीडियो भी जैसा कि तुमने देखा था, और इतना ही नहीं गाइस इस गेम में तो हमें हैकर मिलने ही वाला है, बट कुछ यूनिक चीज भी इस गेम में होने वाली है। वो ये कि भाई साहब मैं मारने वाला हूँ हैकर के टीममेट को और पूरा ही खाऊंगा। फिलहाल उससे बड़े तो भाई साहब यहाँ पे ये वाले बंदे को थोड़ी धर लिया है, और लग रहा था ऐसे यहाँ पे कोई नहीं आया हैकर। यहाँ पे हल्की फुल्की हमने लूट करी, और ज्यादा हमारा कहीं जाने का मूड है नहीं, हम यहीं पे बैठेंगे आराम से। जिसका शरीर बड़ा हो गया, अबे हैकर है, हैकर है, हैकर है, हैकर है। अब यार मैं तुम्हें सही बताऊं तो यार कौन हैकर है कौन नहीं कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है। कुल मिलाकर भाई साहब हर दूसरा बंदा ही हैकर लग रहा है, जो कि हल्का सा ग्लिसी अगर मार देना तो वो भी हैकर लग रहा है। फिलहाल यहाँ पे ईवी लोग आई डोंट नो ये हैकर है या नहीं है, लेकिन अगर है तो ट्रस्ट मी गाइस इसके सिवा भी एक हैकर है। फिलहाल गाइस उससे पहले भैया यहाँ पे देखो थोड़ी सी लूट करता हूँ और वेट कर रहा होता हूँ कि कोई आए तो हमसे भरे। बट भाई साहब इतने में ये लो भाई, अरे भाई दूसरा हैकर। भाई साहब अब ये कोई नॉर्मल हैकर नहीं है, ये है फ्लैश हैकर। फिलहाल का जैसे मैं मॉली कर दूं ताकि मैं अपनी टीममेट को रिवाइव दे पाऊं, और इतने में भाई साहब मॉली भी हट गई। अब तो गाइस वो आ ही जाएगा, मैं भी आ रहा हूं भैया। थैंक यू। यार कहाँ देख रहा है, कहाँ गोली मार रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कसम से गाइस। फिलहाल गाइस ये हैकर मेरी दो गेमों में आ चुका है लगातार, लेकिन उससे पहले भाई साहब यहाँ पे देखो भैया हमारी पेटी बन चुकी थी गाइस यहाँ पे। अब भाई थे अपनी दूसरी लाइफ यूज करने के लिए, समझ में नहीं आ रहा गाइस कहाँ जाए, बिकॉज और कहीं जाएंगे भैया, और वो फ्लैश हैकर तो आ ही जाएगा, ऐसी बात है तो माइनस होना ही होना है। तो हम फिर चले आए यहाँ पे इस बिंदु पे बैठने के लिए ताकि थोड़ी देर सर्वाइव कर पाए और कुछ नहीं। और गाइस यहाँ देखो ऑलरेडी एक एक्सक्लूड वाला बंदा था। फिलहाल गाइस थोड़ी से बातचीत करी, दोस्ती भी करी हमने, और उसने कहा कि अगर हम फाइट लेंगे तो किसी को मारेंगे नहीं, बिकॉज ऑलरेडी गेम में हैकर है। और गाइस तुम यहाँ पे देखो भाई साहब इसी एक्सूट वाले से फाइट हमारी तुरंत ही हो जाएगी। मतलब गाइस यहाँ पे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं जोन में, और भाई अब मैं क्या बोलूं, मतलब सब कुछ इतनी जल्दी हुआ भाई कि मेरे को मत मार तो सुना ही नहीं दिया। अब फिलहाल गाइस यहाँ पे देखो भैया ये एक्सूट वाला वही था जो कि भाई साहब अभी हमें ऊपर बिंदु पे मिला था। फिलहाल जो भी गाइस यहाँ पे देखो हमारे रितेश भाई के पास अभी पावर है तो मजे ले रहे हैं, कंफर्म करने गए हैं कि हैकर है या नहीं, बिकॉज उन्हें एक लेजेंड बंदे ने मारा है। तो अभी देखो उनका कन्फर्मेशन भाई साहब उनकी भी पेटी बन जाएगी, और यहाँ देखो सबके सब जीरो पे बैठे पड़े हैं। किसी के पास भी अब लाइफ बची नहीं है। फिलहाल यहाँ पे देखो कितनी बड़ी जोन है और बंदे मात्र 22, लेकिन भाई साहब जो भी बचे हैं ना बंदे सब में नेक्स्ट लेवल का जोश है, मतलब सामने आए रश करने के लिए। और लो भाई साहब देख रहे हो, तो मतलब एक बंदा नॉक और मैं तुरंत ही आगे बढ़ गया, मतलब रुकना नहीं है बिल्कुल। आगे मैं भी आ गया। और बूम बाम गाइस यहाँ पे दोनों को तो भर दिया, बट यार लेफ्ट राइट से भी गोलियां चल रही है, और ये फ्लैश टाइटन तो किल फीड में चमके ही जा रहा है। तो भैया ओपन में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो मैं चलाया वापस से कंपाउंड में, लेकिन गाइस चार देर तक कुछ चलने वाला हमारा है नहीं। कुछ जैसे ही मैं भैया यहाँ पे वेट कर रहा होता हूँ भाई, इतने में तुम देखो बस ये आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। भाई क्या मतलब यार आया और गया है, दिमाग खराब यार, दो बार मरा दोनों बार सेम हैकर से, भाई दिमाग बहुत ज्यादा खराब कसम से। मतलब यार
क्या ही बोलूं यार। और फिलहाल यहाँ पे देखो भैया 38 केल है लॉन्डे के, यार भाई क्या मजा आ रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन गाइस इस गेम में तो भैया हम कुछ खास नहीं कर पाए, बट भाई साहब अगली गेम में तो मैं दिखाऊंगा भाई साहब फिर से होता है फ्लैश हैकर प्लस मल्टीपल हैकर, और उसके बावजूद गाइस हम #2 आने वाले हैं, और साथ ही साथ गाइस मैं हैकर के टीममेट को यहाँ घुस के भर दूंगा भाई, क्योंकि मुझे पता था मरना तो है ही, जल्दी से इनकी गेम खराब करो। फिलहाल गाइस यहाँ पे देखो भाई साहब हमें जाना है जोहजो पुल जो कि बहुत ज्यादा दूर है, तो हम जो जाते रहे हैं वहीं की तरफ, बट भाई साहब तुम अभी देखो एक हादसा होने वाला है उतरते ही। अरे बहुत बड़े भाई बचाओ मेरे को। हाँ, बड़े बड़े भाई ये हमारे पॉल भाई, अब यहाँ पे बचाने तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें आएगा लेकिन भाई जैसे मैं उन्हें बचाने जाऊंगा ना भाई, तुम ये देखो भाई साहब अब यार क्लाउड इतनी जल्दी नॉक एंड फिनिश हुआ है कि सही में भाई साहब हमारी फट गई और हमें समझ में नहीं आया हैकर है नहीं है, हम तुरंत ही वहां से कट लिया भाई कसम से यार, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना था हमें। तो गाइस यहां पे देखो यार अगर ये महबूब भी हैकर है तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं भाई इसके सिवा भी हैकर है। गाइस यहां पे देखो मुझे अपनी टीम को रिवाइव करना है, तो भैया मैं चला आया वापस कॉल सेंटर की तरफ, लेकिन भैया जैसे मैं आया ना भाई साहब मेरे को आया एक हल्का सा साउंड बहुत माइनर सा, और मुझे समझ में आ गया कोई ना कोई तो है। अब देखो हर किसी को बॉट मानकर छोड़ नहीं सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आप पे आराम आराम से जाऊंगा। रैंडम करके आया था मतलब दो चेस्ट की एक्सरसाइज दो बैक की और थोड़ा सा कार्डियो बस। देखो ट्रैक्स स्टार का किल पीडी चलेगा, आप देखते रहो बस, जब तक उसका राइट में नाम नहीं आएगा ना तब तक लेफ्ट पर चलता रहेगा। कितना क्या पुलअप्स तो मेरा नहीं होती ज्यादा, मेरे से एक बार में 8 ही हो पाती है। I'm recalling a teammate. भाई साहब मैंने कहा था ना भाई साहब हर किसी को बॉट समझ के मत छोड़ो, और फिलहाल गाइस यहां पे देखो रियल प्लेयर होता है जो कि अपने टीममेट को बचाने आया था, लेकिन भाई साहब मैंने उसे भर दिया। फिलहाल मैं जाता हूं उसे बात करने के लिए, क्या भाई तुम्हें भी हैकर ने मारा है, फिर तुम्हारी टीममेट को भी हैकर ने मारा है? तो देखो भाई साहब अपना दर्द बताता है कि हां यार मुझे भी है, मेरे टीममेट को भी हैकर ने भर दिया है, हैकर ने मारा भाई अभी बहुत बुरे हैं। हाँ फिलहाल मैंने इसे कह दिया भाई देखो यार हम तो जा रहे हैं, तुम अपने चाहो तो अपने टीममेट को बुला सकते हो भाई यार, क्योंकि यार भाई सही में यार सबका दुख समझना पड़ता है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखो थोड़ी सी वार्तालाप करी हमने छोड़ दिया भाई इसके हाल पे, लेकिन उसका टीममेट नहीं आने वाला बिकॉज भैया वो भी ऑलरेडी ठिल गए थे हैकर के हाथों ही। फिलहाल गाइस यहाँ पे देखो हम जा रहे होते हैं जोन के अंदर, और लिटरली यार तुम बस देखो जैसे जोन क्रॉस होगी ना स्पीड है इसमें पक्का फ्लैश है, इसमें पक्का फ्लैश है भाई, इस करके बाहर चलो फ्लैश है ये, यहां फ्लैश है, भगा 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 फ्लैश है। भाई वो हैकर टक करके नॉक करके भाग गया मेरे दूसरे टीममेट की तरफ, मतलब रितेश भाई और पॉल भाई की तरफ भाई साहब, लेकिन मैं अपने टीममेट को बुलाता रहा क्लाउड को यार कि आ जा मेरे को रिवाइव दे दे, नहीं है मेरे पास वो, लेकिन वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं नहीं आ रहा, नहीं मैं नहीं आ रहा, कॉल कर देंगे भाई, जब वो आएगा क्लाउड की गांड नहीं बचे हो भाई, नहीं बचे हो, हल्का सब्र कर लो क्योंकि वो हैकर इनके बिल्कुल पीछे हाथ धोके पड़ गया है। और लो भाई साहब इनकी भी बेटी उसने बना दिया भाई। फिलहाल यहाँ पे देखो हमें रिकॉल तो मिल जाएगा बिकॉज मैंने अपनी टीममेट को भेज दिया था वहां से, मतलब हाथ पैर मैंने जोड़े थे, लेकिन भाई साहब कसम से रिस्क बिल्कुल नहीं लेना था बिकॉज यार रिकॉल तो देना ही था। फिलहाल वो देखो यहाँ पे भाई साहब आप समझ में आया कि भैया क्यों मुझे छोड़ के गया था, क्योंकि उसने नाम पढ़ लिया था बंदूकबाज, और यहाँ पे देखो भाई साहब उन्होंने जो पेन से फिनिश कराया कसम से, खैर क्या फायदा इस चीज का मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज अगर लेजिट हो तो सही है, मतलब ऐसा रिवेंज लेने में मजा आता है, लेकिन भाई साहब बिना लेजिट हुए भैया ये चीज तो वेस्ट है। फिलहाल यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है भाई साहब, अब जोन के बाहर रहकर ही एंड तक सर्वाइव करना पड़ेगा, लेकिन पहले का जोन से निकलना पड़ा हमें हल्का सा अंदर बिकॉज यार कुछ ऑप्शन था नहीं, लेकिन तुम यहाँ देखो भाई साहब जोन ऑलमोस्ट 2000 मीटर दूर है, और हीलिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट एड, और जो भी मैं यूज कर लेता हूँ उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, लग रहा था कि भैया पॉसिबल है ही नहीं अब जोन में जाना, लेकिन भाई साहब उसी बीच दिखा ये सामने ड्रॉप, लगा शायद कुछ मिल जाए, मतलब होती है बट भाई किस्मत बहुत खराब यार, मतलब क्या ही बोलूं, लेकिन जो भी था गाइस यहाँ पे पहले एक ड्रॉप और मिला, उसमें भी मेरे को 6 सेंजो बीन। फिलहाल जो भी गाइस यहाँ पे अब जोन में पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन तुम बंदे देखो कितने बचे हैं, 6 बंदे, 4 हम हैं और वो दो हैकर, मतलब सही में गाइस एक ही हैकर है, लेकिन भाई साहब दूसरा टीममेट जो है ना उसका भाई साहब बड़े प्यार से स्क्वाड उसमें बैठा है, और जो मैं उसका हसर करने वाला हूं ना तुम लोग बस देखते जाओ।
अब भाई साहब ये फाइट थ्रोट आया मेरे को डीपी का लेफ्ट की तरफ से, तो मैं सीधे स्क्वाड उसमें गाड़ी पार देता हूँ। मेरे का ऐसे छोटे फाइट ले पाऊँ कंपाउंड के अंदर, लेकिन भाई कंपाउंड में तो भैया ऑलरेडी एक बंदा था, तो भैया मैं उस पर तुरंत ही रश कर दिया। हीलिंग ही नहीं है मेरे पे। और लो भाई साहब हैकर भी आ गए इतने में। हीलिंग है आपके पास? तभी तो भाई वो पेल गया। हीलिंग है पेल दो उसको पेल और लो भाई इससे तो भैया क्या ही फाइट ले पाएंगे हम। लेकिन भैया तुम यहाँ देखो मेरे टीममेट जो उनके बाहर हैं। वसूली हो चुकी है। लेकिन भाई साहब एक गेम भैया जो मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा कि भैया मैंने जो है पूरी हैकर की स्क्वाड को पागल कर दिया, और उसमें एक नहीं भाई साहब तीन तीन हैकर होते हैं। फिर उससे पहले भाई साहब तुम यहाँ देखो भैया थोड़ा सा डेथ रिप्ले मारा। भाई तुम देख रहे हो मतलब यार क्या ही लौंडे की स्पीड है, और अब जा रहा है ये बाहर जोन के मतलब मेरे टीममेट को मारने के लिए। जो भी कहीं समाप्त करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर स्वीट टीम, टाटा बाय बाय।